अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका पीरियाडिक टेबल के साथ लिंक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर है। इसके जो सेंट्रल पार्ट है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये शेल्स हैं। ये पहला शेल है, इसको के कहते हैं, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो है ना, ये दूसरा शेल है, इसको L कहते हैं, और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीसरा शेल है, इसको M कहते हैं, और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है ना चौथा शेल है, और इसको N कहते हैं, और इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखने शेल्स के नाम K, L, M, N। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक हो गई बात। जो अगली बात है कि ये जो शेल्स हैं इनके अंदर सब शेल्स होते हैं। वो जो सब शेल्स हैं उनके नाम और नंबर जो है ना हर शेल में मतलब डिफरेंट होते हैं। मतलब जो पहला शेल है उसमें जो सब शेल होगा वो एक ही सब शेल है, उसको हम एस कहते हैं। एस इसलिए एस तो इसका सिंपल नाम हो गया, और वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले शेल का एस है, और टू उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो हम लिखते होते हैं। तो हम इसके लिए ऐसे पढ़ेंगे 1s2। तो 1 जो है ये एक शेल नंबर 1 की वजह से, s वैसे सब शेल का नाम है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एक s और एक p। ठीक है, और उनके साथ 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये सेकंड शेल है। तो सेकंड शेल का 2s2 और 2p6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 8 हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P में 6 आ जाएंगे। इसी तरह जो तीसरा शेल है उसमें 3 सब शेल्स होते हैं, S, P और D। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। 2 S में आ जाएंगे, P में 6 आ जाएंगे, 2 और 6 8 हो गए, और 10 जो हैं वो D में आ जाएंगे। तो टोटल 18 हो जाएंगे। इसी तरह जो चौथा शेल है उसके अंदर 4 सब शेल्स होते हैं, S, P, D और F। और S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 40। अब आपने इस चीज़ को कैसे याद रखना है, एक तो आपने ये याद रखना है कि सब शेल्स के नाम कौन कौन से हैं। सब शेल्स के टोटल नाम 4 हैं, S, P, D और F। S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और D में 10 और F में 40। एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है, और दूसरा ये याद रखना है कि जो शेल का नंबर होगा उसके अंदर उतने सब शेल होंगे। अब जैसे पहला शेल है इसके अंदर एक सब शेल है, शेल नंबर 2 में 2 सब शेल्स हैं, शेल नंबर 3 में 3 सब शेल हैं, शेल नंबर 4 में 4 सब शेल्स हैं। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट है, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनकी तादाद हम एटॉमिक मास कहते हैं, और एक एटम के शेल के अंदर जितने भी शेल्स हैं उनके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद को भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी। तो इसलिए हम ये कह देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और इसी की वजह से एटम्स के डिफरेंट नाम होते हैं जो हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है कि ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है वो कैसे करनी है। जो हमने पढ़ा है ना, पहले शेल में एक सब शेल होता है 1s, दूसरे में 2 होते हैं 2s2p, तीसरे में 3 होते हैं 3s3p3d, चौथे में 4 होते हैं, पांचवे में इस तरह, फिर उसको ना वो कम करते जाएंगे एक एक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने अपनी कॉपी पे बना के वो इस तरह एरो से इसको हमने कट करना है, मतलब ये एक एरो इसको काट रहा है, दूसरा इसको इस तरह इस तरह। जब आप बना लेंगे तो उसकी आपने तरतीब लिखनी है, जो पहला एरो जिस चीज को कट कर रहा है वो पहले लिखना है 1s, फिर दूसरा एरो 2s, आपने इधर से स्टार्ट लेना है इस तरह 2p3s, ये देखें 2p3s, ये 3p4s, 3p4s, इस तरह 3d4p5s, 3d4p5s वगैरह। ये जो तरतीब है ना इसको हम ऑफ बा प्रिंसिपल भी कहते हैं। बेसिकली ये तरतीब ये एक्सप्लेन करती है कि वो सब शेल्स जिनकी एनर्जी कम है वो पहले लिखे जाते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको बाद में। जिस तरह अब 1s, 2s, 2p, 3s, 3p तक तो ठीक है, अब 3p के बाद 3d आना चाहिए था ना, लेकिन 4s है,
4s की एनर्जी कम है, 3d की ज्यादा है, इसलिए 3d को बाद में लिखेंगे। इस तरह 4p है, 5s है, ये सारी ये तरतीब जो है ना बड़ी जरूरी है, इस चीज को आपने याद रखना है और इस चीज को फॉलो करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए। अब जो नेक्स्ट, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं कि s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं। अब सिंपल याद रखने के लिए आपने चार चार बढ़ाते जाने, अब 2 में 4 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 10 में ये 14 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो हमने ये तरतीब लिखी है, ये मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये समझ लो ये बर्तन है, कंटेनर्स हैं, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आप समझ लें सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। तो आपने क्या करना है, जिस एटम के जितने इलेक्ट्रॉन हो वो इस बर्तन के अंदर डालते जाने, तो जिस पे आगे खत्म हो जाएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। हम मिसाल लेते हैं सोडियम की, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। अब देखो ये कंटेनर है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समझ लें कॉइन्स हैं, आपने इस कंटेनर में 2 डाल दिए क्योंकि एस में 2 आते हैं, इस एस में भी 2 आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2, और पी में कितने आते हैं 6, तो 2p6। अब देखें सोडियम के टोटल कॉइन्स कितने हैं, 11, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 10 हो गए, बाकी एक बचा वो आप 3s1 में डाल देंगे। तो तरतीब जो सीक्वेंस है वो आप ये वाली फॉलो करेंगे और उसमें आप ये डालते जाएंगे, तो इस तरह ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और एग्जांपल हम ले लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन में जो है ये 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी इधर से आपने कॉइन्स लेने हैं, इसमें डालते जाना है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये टोटल 17 हो जाएंगे। इस तरह आप कुछ और एलिमेंट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका पीरियोडिक टेबल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, अगर आप ये समझ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पीरियोडिक टेबल भी बड़ा बेहतरीन समझ आ जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं, एक एटम में जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो उस पीरियड में होता है पीरियोडिक टेबल के। फर्ज किया हम कहते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम में देखो कितने शेल्स हैं, 1 ये 2 और 3, तो सोडियम जो है पीरियोडिक टेबल के तीसरे पीरियड में, ये देख रहे हैं नंबर ऑफ पीरियड। इसी तरह तो जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे दीज विल बी इक्वल टू पीरियड नंबर, और ये जो पीरियड है ये क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में इनको हम पीरियड कहते हैं, और ये 7 हैं पीरियड टेबल में, 7 पीरियड होते हैं, ठीक हो गया। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, एक एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करता है कि ये एटम उस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। जैसे सोडियम जो है 3s1, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो जो सोडियम है ये पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये ग्रुप को शो करती हैं। तो सोडियम को देखें आप पहले ग्रुप में, अब क्लोरीन के आखिरी शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का आखिरी शेल ये है ना 3s2 3p5 2 और 5 7, तो क्लोरीन जो है ये 7th ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये देखें, समझ रहे हैं बात। दूसरी बात, सब शेल्स एट विच कॉन्फ़िगरेशन एंड्स इट बिलोंग्स टू द ब्लॉक इन द पीरियड टेबल, जिस सब शेल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी तो वो एलिमेंट उस ब्लॉक से ताल्लुक रखता होगा। फर्ज किया पीरियड टेबल में ना वैसे 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, ये इनके डिफरेंट नाम दिए हैं, ये मैंने इसको ये मार्क किया है, ये जो 2 ग्रुप हैं ये एस ब्लॉक है, ये जो आखिरी 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक है, ये जो बीच वाले 10 हैं ये डी ब्लॉक है, और ये जो नीचे वाले जो दिया होता है ये एफ ब्लॉक है। याद रखें एस पी डी एफ, और इनके नाम भी वैसे हैं जैसे सब शेल्स के नाम है, जिस तरह एस पी डी एफ है। और मजे की बात ये है कि जितने सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स हैं, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं, एफ में जो है ना 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एफ ब्लॉक में 14 ग्रुप्स हैं। इसको आप दूसरी तरह ये भी कहते हैं, ये जो आखिरी सीरीज है इसको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहते हैं, तो आपको ये याद रखना भी आसान हो जाएगा, ये 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस पे खत्म होगी, फर्ज किया पी पे खत्म हुई है क्लोरीन की तो ये पी ब्लॉक में है, क्लोरीन पी ब्लॉक। इस तरह सोडियम के एस में खत्म हुई है कॉन्फ़िगरेशन तो ये एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, तो जिसकी डी से डी पे खत्म होगी वो डी ब्लॉक से ताल्लुक रखता होगा, जिसकी एफ पे खत्म होगी वो एफ ब्लॉक पे ताल्लुक रखता होगा। तो पीरियडिक टेबल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप इन दैट ब्लॉक, मतलब एक जो ब्लॉक है, फर्ज किया ये एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इनकी करते हैं
और ये सोडियम भी देखें 3s1 पे खत्म हो रहा है, तो ये s ब्लॉक के पहले ग्रुप में होगा। इस तरह अगर क्लोरीन के जो ना 3p5 पे खत्म हो रही है ना, तो ये p ब्लॉक के पांचवें ग्रुप में है। देखें 1 2 3 4 5 ही पांचवें नंबर पे। तो ये जो है ना, आप इसको अच्छी तरह समझें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इटसेल्फ आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ताल्लुक पीरियड टेबल के साथ क्या है ये भी अच्छा आना चाहिए, तो आपके मतलब बहुत से केमिस्ट्री के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इसमें आप इसको पढ़ें, जो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।